माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का समय दिया। 5 मिनट्स है। यस, मैं वो तो समझ गई हूँ जी। मैं श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बहुत आभारी हूँ कि यूपीए सरकार के समय में राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी और मनरेगा, जिसका कि बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, आज उसी को सबसे ज़्यादा माना जा रहा है, इसलिए मैं उनकी बहुत धन्यवाद दी। आज जो ये बिल लाए हैं प्रकाश जी, उसमें उन्होंने एक बात की है टीचर्स की ट्रेनिंग की और राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको सबसे पहले नॉर्म्स बदलने चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल है, जिसे अब एलिमेंट्री कहा जा रहा है, वहाँ पे बच्चों की जो स्ट्रेंथ के ऊपर टीचर्स रखे जाते हैं, उसके ऊपर ये नहीं रखा जाता कि जो बच्चा आया है उसने काखा का भी सीखना है, 1, 2, 3 भी सीखना है, उसको अटेंशन चाहिए, उसको पर्सनल अपना अटेंशन चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर बताया जा सके कि बच्चे आपने इस तरह से लिखना है। आजकल राइटिंग के ऊपर तो कोई उसका दबाव ही नहीं है। आज के बच्चों की आप राइटिंग देख लीजिए, आप भी नहीं पढ़ सकेंगे, टीचर भी नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। सो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों के लिए पहली क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए, दूसरी क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए, 5 क्लासों के लिए 5 टीचर होना चाहिए, तब हम उनका बेस बना सकते हैं, नहीं तो उनका बेस नहीं बन सकता। आज सबसे बड़ी बात आ रही है शहरों की और गांव के बीच का जो फर्क आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। आज हम शहर के पढ़ते हैं कि एक रिक्शा वाले के बच्ची ने भी IAS कर लिया, वो भी कंपटीशन में आ गई, क्योंकि वो शहर में पढ़ती है। गांव के कितने बच्चे जो है कंपटीशन में आए हैं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही नीचा है। इसलिए पहले तो ये सोचना है कि उन 5 क्लासों के लिए 5 अध्यापक रखे जाए, उसके ऊपर स्ट्रेंथ की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर 20 बच्चे हैं एक क्लास में या एक स्कूल में, वहाँ 2 टीचर दिए जाएंगे या वहाँ 3 टीचर दिए जाएंगे। नहीं, अगर हम अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं और बच्चों को शिक्षा सही रूप में देना चाहते हैं, तो 5वीं क्लास तक 5 टीचर होने चाहिए, जिससे कि उन बच्चों का जो है फाउंडेशन बढ़ सके, वो आगे के लिए हो सके। आपने ये कहा है, आज हमें देखना, हमें सोचना है कि हमारी शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है। हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, हम कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, IITs की बात कर रहे हैं, IMMs की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन उसमें कौन बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे हमारे गांव से जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उसका जो है कसूर है वो शिक्षा विभाग का, वो शिक्षा प्रणाली का, वो शिक्षा पद्धति का, जिसे हमें सुधार में लाना है। आपने कहा है प्राइवेट स्कूल की बात की है या औरों की है, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, पहले ये तो सर्वे करवाएं कि जो कस्बों में प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, जो गांव में प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, उनका क्या ढांचा है, उनको किस उसके ऊपर लाइसेंस दिया जाता है, किस उसके ऊपर परमिशन दी जाती है, 2-2 कमरों में वो स्कूल खुल रहे हैं, क्या वो शिक्षा दे पाएंगे, क्या बच्चे को वो सही ढंग से पढ़ा पाएंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म है, इंग्लिश मीडियम है, तो गांव का बच्चा भी जो है माँ पेरेंट्स जो है उस स्कूल में भेजना चाहेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहेंगे। आज हम शायद लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन तब हम अंग्रेजी के इतने अधीन नहीं थे जितने आज हो गए हैं। आज अंग्रेजी भाषा जो है हमारे ऊपर हावी हो गई हुई है। आज अंग्रेजी भाषा के लिए हमें जो है हर बात करनी पड़ रही है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि अंग्रेजी जो है वो हमारे प्राइमरी स्कूलों से भी शुरू होनी चाहिए, जिसका गांव का बच्चा भी उसका फायदा उठा सके। और टीचर्स देने होंगे। आज
हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है अपने बच्चे को कि वो इस कंपटीशन में आए, वो बोल सके। आज की जो मॉडर्न जो कंसेप्ट हो गया वो यही हो गया, जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, जो अच्छा अंग्रेजी के साथ बातचीत कर सकता है, वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसने डिग्री ली है या नहीं ली है। सो इसलिए इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा मंत्री जी। आपने ये कहा है ट्रेनिंग की बात की है, लेकिन उन टीचर्स के लिए क्या करेंगे जो ऑलरेडी ट्रेनर पढ़ा रहे हैं, जिनको अभी तक कुछ नहीं पता है। आप, मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी, यहाँ यूपी में टीचर्स को पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन है, उनको नहीं पता। उनको मुख्यमंत्री कौन है, उनको नहीं पता। आप अनट्रेन टीचर्स को तो ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, क्या कोई रीओरिएंटेशन कैंप उनके लिए भी लगाने जा रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। आज वो पुरानी पद्धति से पढ़ा रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बातें आ रही हैं जिनका उनको पता नहीं है। इसलिए उनके साथ साथ उनको भी ट्रेनिंग देने की बात कीजिए। मशरूम की तरह स्कूल खोलने की बात मत कीजिए। आज प्राइवेट स्कूल खत्म करने जा रही हूँ, प्राइवेट स्कूल मशरूम की तरह हर गांव में हर कस्बे में आ रहे हैं। उनका स्टैंडर्ड देखिए, उनके लिए जब लाइसेंस दीजिए दिया जाता है उसके लिए भी देखिए। आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सर्विस उसमें जोड़ी जाएगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए इसको लाए हैं, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से जो है लागू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय थैंक यू।